गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इससे संबंधित नियम और क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दो फार्मूले हैं, इसको हम व्रत का व्रत की परिधि, इसका सूत्र है 2πr। व्रत का क्षेत्रफल इक्वल टू πr² जहां की r व्रत की त्रिज्या है। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से जो दो फार्मूले हैं इनको नोट कर लें। अब हम इस पे आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। प्रश्नावली 12.1, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो व्रतों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो हमको परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो दिया क्या है प्रश्नानुसार, हमको ऐसे व्रत की परिधि ज्ञात करना है, यानी हमको ये ज्ञात करना है 2πr इक्वल 2π और त्रिज्या दी है 19 सेंटीमीटर प्लस 2π, दूसरा दिया हुआ है 9। 2π कॉमन निकाल दिया, यहां पर 2π कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा 28। 2π और 2π कैंसिल हो गया तो r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो हमको ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको यह दिया हुआ है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिख रहे हैं, अंदर आपको गोल्ड दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है और व्हाइट दिख रहा है, 5 क्षेत्र दिख रहे हैं। तो गोल्ड अंक के क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो हमको यदि हम अंदर की त्रिज्या और ये 5 त्रिज्या है, ये 5 त्रिज्या है, अंदर की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और बाहर इस दूसरे घन वाली की R2 R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, तो अंदर की त्रिज्या कितनी आई, R1 कितना हो जाएगा आपका, इसका कितना दिया हुआ गोल्ड का व्यास दिया हुआ 21, तो R1 हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर? और प्रत्येक पट्टी 10.1 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10.5 और इसमें 10.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। R3 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर इक्वल 31.5 सेंटीमीटर। R4 कितना हो जाएगा 31.5 प्लस
10.5 कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। और R5 कितना हो जाएगा 42 प्लस 10.5 इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। ये आपके पांचों क्षेत्र का वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोल्ड क्षेत्र है का क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई आर वन स्क्वायर। तो पाई आर वन कितना दिया हुआ है 10.5 का स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा आपका पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। तो यहां पर हम रख देंगे वैल्यू पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से हम तीसरा निकालेंगे ब्लू, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। क्लियर। माइनस पाई आर वन स्क्वायर। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ब्लू के बाद आता ब्लैक। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई आर फोर स्क्वायर पाई आर थ्री स्क्वायर। इसके बाद आता व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका मान हो जाएगा पाई आर फाइव स्क्वायर पाई आर फोर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से इसमें मान रख के और सिंपल कर लेंगे वैल्यू रख के। ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। किसी कार के, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो यहां पर आप देखेंगे पहिए की त्रिज्या, R बराबर दिया है 80.2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं चाल। चाल होता है दूरी बटे समय। ठीक है। तो ये दिया है आपका 66 किलोमीटर और समय दिया हुआ है एक घंटा। तो यह हो जाएगा आपका 66,000 मीटर अपॉन 60 मिनट। क्लियर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 110,1100 मीटर।
तो इसका मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक मिनट में कितना चल रही है, 1100 मीटर, 1100 मीटर दूरी तय करती है। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 1100 गुणे 10, 11000 मीटर। क्लियर, ये 10 मिनट तय करेगी। अब पहिया जो है आपका एक चक्कर में 2πr, 2 और पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है आपकी 40। क्लियर, तो यह आएगा आपका 44 × 40/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि ये एक चक्कर में तय दूरी है, तो 10 मिनट में मैं पहिया द्वारा लगाए गए चक्कर, तो 10 मिनट में कुल दूरी कितनी है आपकी, कुल दूरी अपॉन एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, तो कुल दूरी दी हुई है आपकी 11000 मीटर अपॉन, इसको आप चाहे तो 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 44 × 40/700, ये मीटर में हो गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लीजिए, 11000 × 700/44 × 40, ये आपका मीटर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए, ये आपका आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको याद यह है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर है क्षेत्रफल। क्लियर, तो परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr², पाई और पाई कैंसल हो गए, तो 2r = r², तो 2 = r² / r, तो r से r² कैंसल हो, तो r = 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको मात्रक कर दिए, सेंटीमीटर नहीं दिया। तो ठीक है,